किसी ने अगर पीछे से वीडियो बना दिया तो अपनी बात ठोक दूंगा, अखबार में छपवा दूंगा कि कोई भी वेंडर मेरी वजह से उसने किसी यूट्यूबर के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसको पता चल गया। मैं आसमान से जब नीचे गिरा हूँ ना, इतना बड़ा काम करता था लाखों रुपए का, दोबारा उठना भी जानता हूँ। जो है 70 लाख का इसमें लगाया, या चलिए जो मेरे ऊपर लगाया किसी यूट्यूबर के ऊपर लगाया था, उसको पता चल। मनोज भाई बहुत परेशान हो रहे थे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, व्यूअर्स जो है देखिए बता देंगे की जरूरत नहीं। व्यूअर्स का जो भी आशीर्वाद है, आप लोगों का जो भी सहारा, बरसात हो रही है, आप लोग काफी टाइम से 11 बजे से रुके हुए हैं, मेरा ये कुछ फर्ज बन जाता है कि मैं ऐसा ईगो नहीं हूँ, लेकिन गलत तो गलत है ना, गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसे सही करना पड़ेगा, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। जैसे आप जाके कन्नम कहते सबका ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को किसी ने बोला कि हमारा यूट्यूबर की वजह से काम चल रहा है, किसी ने इतनी टेंशन ली? नहीं नहीं, आप अगर आपने मुझे दी हुई है तो आपका नाम मेरी वजह से ना खराब हो। सही बात है, यही तो नेचर है जो हम आपके पास यार मैं टेक्निकल आदमी हूँ। आज भी मेरे को अच्छे जेल से मोटर आती थी, बड़ी बड़ी जगह से मोटर आती थी। बाकी भैया का चैनल बनाए और भैया को तरक्की मिले, काम मिले। आप लोग सब भाइयों का और सब भालों का, मैं सब यूट्यूबरों का आभारी हूँ जिनकी वजह से आज मेरा नाम हुआ, और जिनकी वजह से कुछ लोग हैं जो यूट्यूबर वो गलत है, और उन्होंने गलत तरीके से कन्नम कहते जो है 70 लाख का इसमें लगाया, या चलिए जो मेरे ऊपर लगाया किसी यूट्यूबर के ऊपर लगाया था, उसको पता चल गया। ठीक है जी, अब मैंने ये पहले लास्ट वीडियो था, मैंने किसी से 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं बनवा रहा हूँ, लेकिन अब 3-4 लोग आप लोग आए हो दूर दूर से, मैं आप लोगों का स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों का बुरा नहीं बनना चाहता। एक बात जरूर कहूँगा, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए। ठीक है जी, गलत तो गलत ही है, किसी ने गलत बोला था उसको पता चल गया, उसको बहुत अच्छे से पता चल गया। उसने किसी यूट्यूबर के खिलाफ बोला था, जो कि उसको अच्छे से पता चल गया, उसकी पूरी फैमिली को और उसको भी, वो वीडियो भी बंद कर दिया, चैनल भी उसका बंद के चक्कर में है। लेकिन अब मैं एक बात कहूंगा कि कोई भी मेरे पास वीडियो ब्लॉकर कोई ना आए। अच्छा हाँ, और किसी ने जैसे झगड़े का वीडियो डाला पीछे से खड़े होके, मेरा एक फर्रा तैयार है, मैंने उसमें एक ही बात लिखा, उसे तो मैंने भिजवा दिया, उसका तो मैंने जो करना था उसको जेल भिजवाना था, उसका जो काम करना था मैंने कर दिया। लेकिन किसी ने साइड से वीडियो भी बनवाया है ना, अब मैंने एक ही रवि साहब से, वो हमारे नव भारत में क्या नाम कहते हैं MD है, उनसे मेरी बात हो रखी है, सब मैंने फर्रा तैयार, अखबार में फोटो छपा दूंगा कि कोई भी बाइंडर किसी यूट्यूबर से क्या नाम कहते हैं कोई वीडियो ना बनवाए। ये मैं 15-20 दिन का टाइम दे रहा हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं आए, जनवरी तक मेरे पास वीडियो बंद है। लेकिन अगर किसी ने पीछे से छाप दिया, बना दिया, तो मैं ये अखबार में छाप दूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यूट्यूबरों का बहुत आभारी हूँ जिनके सहारे मैं हूँ, मेरा नाम खराब हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूबर किसी यूट्यूबर का नाम खराब हुआ है उसको तो पता चल गया। लेकिन अब अगर किसी ने पीछे से भी वीडियो बना दिया ना, तो मैं अखबार में छाप दूंगा। अभी ये मैंने ये सारा अभी प्रधान जी से बात करके, मीटिंग करके, मैंने ये नेहरू प्लेस का सारा वीडियो बंद करवाना है और करवा के रहूंगा। रवि वो SHO हमारे बलवीर सिंह जी, उनको भी साफ लोगों को भी कहना कहते बोल दिया, बड़े लोगों को। बस इतना बोलूंगा, मैं आप लोगों का बुरा नहीं बनना चाहता, मुझे ईमानदारी से काम करने दीजिए, मुझे किसी फंड की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का नहीं है, आप लोगों ने जो दिया मैं उसे संभालना चाह रहा हूँ, बस माफी चाह रहा हूँ। अंकल टाइम बता दो, टाइम और डेट। टाइम 11:30 बजे से 4 बजे तक। अब हाँ जी, अगर किसी ने पीछे से बना दिया तो अखबार में छाप दूंगा। अभी नहीं नहीं भैया, सब यूट्यूबर एक से नहीं होते हैं, आप परेशान मत होइए, सब यूट्यूबर एक से नहीं होते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैडम जी कुछ गलत हो रहा है तो सही तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका राइट बनता है, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाया 70 लाख का कोई बात नहीं, मेरे ऊपर उसने झगड़ा बनाया कोई बात नहीं, लेकिन किसी यूट्यूबर के ऊपर बनाया। अभी भैया ऐसा होता है, इतने अच्छे से जानते हैं, कोई भी लिख दे रहा कोई बात नहीं। मैं आसमान से जब नीचे गिरा हूँ ना, इतना बड़ा काम करता था लाखों रुपए का, दोबारा उठना भी जानता हूँ, दोबारा गिरना भी जानता हूँ, और दोबारा अपने आप को संभालना भी। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। बाकी आपकी सच्चाई दिखती है सबको, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको आपके फेस से ही पता चलता है कि आप कितने सच्चे हो, आपके फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है भैया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों की जो सोच है वो आप रहने दीजिए, हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते इस दुनिया में। कि मेरे को कुछ टाइम के लिए वीडियो नहीं बनाना, बिल्कुल। अगर आज किसी ने भी मेरा पीछे से वीडियो बना दिया तो मैं ये अखबार में फर्रा तैयार है। पीछे से बनाना वैसे भी गलत है। गलत है या सही आप है? वैसे भी टाइम दे ही रहे हैं। लोग अखबार में छपवा दूंगा कि कोई भी वेंडर यूट्यूब सब यूट्यूबर होगा, मेरी वजह से उसने किसी यूट्यूबर के ऊपर इल्जाम लगाया था, उसको पता चल गया। हमें भी दिल से एक रह गया, एक रह गया, उसका दिवाली बाद उसका सीन करूंगा। हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए ID नहीं थी, ईमेल ID नहीं थी, मैंने उसका नंबर निकाला, फिर साहब को बोला, उससे ये पूछा कैसे इसने यूट्यूबर ने मेरा मेरे मेरे खिलाफ जो ने पैसे खाए हैं, आजा सामने दे पहले, तो किसके खाते में आए हैं ये देखिए। अभी भी मैं किसी के लिए पैसे लेके आया हूँ देने के लिए, 3,000 रुपए 5,000 देना था, यही है
देने के लिए लाया, उसको वादा कर रखा था। और ये मेरी दुकान की जो सेल हुई है, अर्निंग हुई है, वो ये है। देने के लिए लाया हूँ ये, मैं दूंगा उसको, मैं उसको चेक भी पकड़ा देता हूँ, ऑनलाइन भी दे देता है। भाई पड़ोसी है, क्या करें, देना पड़ेगा किसी के लिए। ये मत डालिए, किसी के लिए मैं लाया हूँ, दूंगा मैं उसे, किसी की मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहता हूँ। वो तो भैया, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ, मर गया तो कंधा उन्हीं ने देना है, बनाने से बनती है बाबूजी। सही बात है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, अब दो बातें कह रहा हूँ सर जी, मेरा कोई वीडियो बनाने के लिए ना आए, हाथ जोड़ दिए, मैंने पहले भी डाला भूखा शेर जी ने, विश्वास आदमी किसी पे करता है। आप लोगों पे, ये हमारे जो साउथ एक्स से भैया आए हैं या मैडम जी आप आए हो, बच्चे हैं, ये लोग दूर से आए हैं, आप लोगों के ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है जी। जनवरी में वीडियो खोलूंगा, तब आए, मिलने आए, जुलने आए, मेरे को परेशान नहीं कीजिए। नए साल पे लगाओगे अंकल आप? हाँ जी, नए साल पे नहीं, मेरा तो कंटिन्यू रहेगा भैया, हम जनवरी में फिर से शूट कर लेंगे, हम जल्दी चालू हो जाएगा। जनवरी तो बहुत दूर है, लेकिन मैं जल्दी चालू कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप जब भी शुरू करिएगा हम फिर से जरूर आएंगे आपके पास। मेरे ऊपर गलत हो रहा है, सही हो रहा, कोई बात नहीं, मेरे ऊपर हो रहा है ना, पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, कुछ गलत, बहुत गलत हो रहा है। देखिए, अगर मेरे घर का मेरा बच्चा अगर गलत कर रहा है तो मुझे सही करना पड़ेगा, और वो ही जहर पिएगा, ठीक है जी। आप लोगों की कदर कोई नहीं जानता है, मरने दो हमारे जैसे को भूखा, मत बनाओ भी लोग, पता चल जाएगा सबको आपकी कीमत क्या है। लेकिन आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम, कोई साथी गलत लगाएगा तो उसे भी नहीं छोड़ूंगा ना, बिल्कुल भी। हम समझ सकते हैं, अगर आप वीडियो के लिए मना कर रहे हो तो वो भी हम ब्लॉगरों की वजह से ही कर रहे हो, तो आपके ऊपर किसी के ऊपर उसने, ब्लॉगर ने किसी ब्लॉगर पे इल्जाम लगाया है, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं उसे, हमारे लिए वो तो मैटर मैंने सोल्व कर दिया। लेकिन किसी ने पीछे से वीडियो बनाया ना, अभी ये प्रधान जी से मिलकर ये नेहरू प्लेस वाला ये भी वीडियो सारा बंद करवाऊंगा, प्रधान जी के पास अभी जा रहा हूँ आज। काफी लोगों ने भैया यूज किया है मनोज स्कैमर वगैरह, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोगों ने सामने भी तो लाए हो, आप लोग मनोज को सामने बस भी, ये जो व्यूअर्स हैं ये ब्लॉक करेंगे, उन अकाउंट को बंद करवाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप परेशान मत होना। आपके हमने देखा है आपका नेचर, सो सुनार की एक लोहार की, आप लोगों ने सर पे मन, आप लोगों का नमक खा रहा हूँ तो मैंने सीख लिया है। अरे मनोज भाई, आपकी मेहनत छुपा दूंगा, आप मेहनती हो इसलिए। मैं मेहनती नहीं हूँ, मेरे को मेहनती तो जाने दीजिए, लेकिन गलत हो रहा है ना, अभी अखबार में छपाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, मैंने तो ब्लॉग ही बंद कर दिया था। बिल्कुल अंकल जी, आपका बॉम्बे से आया था, परसों 2,000 रुपए दे रहा था, मैंने कहा पैसे का लालच होता तो सोने का जूता पहन के घूमता। सही बात, आपका दिल से थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया बाबू जी। मैं तो पहले आपसे शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं आपसे थोड़ा बोला, मैंने सबके पैर हाथ लगाए, मैडम जी आई, मैंने बच्ची आई, मैंने इनके भी पैर हाथ लगाए, कोई नहीं भैया, लेकिन मैं आप लोगों का बुरा नहीं बनना चाहता कि आप लोग इतने टाइम, भैया हम समझ सकते हैं आप सच में परेशान है, कोई अगर क्यों किया परेशान, किसने किया, किसकी वजह से परेशान हूँ मुझे, और वो साफ बोल रहे थे मेरे जो आईएस है, कह रहे तू तो सेफ है, किसी को इल्जाम किसी ने लगाया तू क्यों परेशान है, मैंने कहा नहीं भैया ये गलत हो रहा है। सही बात है, मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मरे मुर्दे पे मिट्टी गिर गई जो मैंने झेल ली, तो मेरे को परवाह नहीं है मेरी, लेकिन मुझे आपकी परवाह है, जिसकी इज्जत ज्यादा प्यारी है। मैं तो बेटा अपनी तरीके रहता हूँ बस, बहुत बढ़िया, मैंने बहुत अच्छे से, मैं झमेले से दूर रहना चाहता था, लेकिन झमेला डाल दिया ना, वो दोनों फेमस होना चाहते हैं मेरे सर पे बंदूक रखना, उनको तो पहले मैं लाऊंगा नीचे, एक को तो मैं ले आया, एक का तो कर दिया खराब मैंने। अब अगर कोई, अगर इसने ऐसा किसी ने गलत लिखा तो अखबार में मैं छुपा, मेरा पड़ा हुआ मीटर पर है, रवि जी यहाँ आप जाइए, मैं हेडक्वार्टर का नंबर देता हूँ, नाम बताता हूँ, जहाँ पे प्रेस है, आईटीओ में है, ठीक है, वहां जाके मिलिए उनसे, मेरी क्या बात हुई है उनसे, मेरी बात हुई, भैया की बात हुई है। लेकिन देखिए, मेरे को अभी कुछ काम करने दीजिए, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आपने दिया हुआ संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने अगर पीछे से वीडियो बना दिया तो आपकी बात ठोक दूंगा, आपकी बात ये छपा दूंगा कि कोई ब्लॉगर, कोई छोटा वेंडर ये कहने में कहते जो है ना आए, इनसे कोई ब्लॉग ना बनवाए, अब ये सोच लीजिए आप, आप मालिक हो मेरे लिए। नहीं नहीं भैया, क्या बात कर दी, आप हमसे बड़े हैं। नहीं नहीं, बड़े छोटे की बात नहीं, ओहदा बड़ा होता है, ओहदा बड़ा होता है बेटा जी, ये तो आपका बड़प्पन है भैया, आप लोगों के सहारे हूँ और आप लोगों का नमक खा रहा, आप लोगों की वजह से इतना बड़ा बड़प्पन है भैया, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन उसने गलत किया ना किसी के साथ। आपकी एज क्या होगी वैसे भैया? मेरी 44 है। अच्छा 44 है, बहुत बढ़िया, तो आप मेरी फादर की एज के हो आप, तो ओहदा बड़ा होता है बेटा, पढ़ाई लिखाई से आदमी अपने अच्छाई से जाना जाता है, जो मैंने आप लोगों से सीखी है। इंसानियत होनी चाहिए भैया, पढ़ाई लिखाई भी कभी कभार काम नहीं आती है, इंसानियत कहाँ से आएगी जो आपके अंदर बहुत ज्यादा है। मंदिर में खड़ा आदमी जय माता की करेगा, राम राम सत करेगा, अब ज्यादा मत बुलवाइए। एक ही बात बोलना चाहूंगा,
अभी अगर मेरा पीछे से किसी ने वीडियो बना दिया तो मैं अखबार में छापवा दूंगा कि कोई किसी से ब्लॉगर ना बनवाए। अभी मेरी प्रधान जी से बात होनी है, ये नेहरू प्लेस वाला तो मैं जल्दी बंद करवा दूंगा एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाकी सब लोगों का मेहरबानी हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ, जितने भी दो चार आप लोग आए। मेरा ये आखिरी वीडियो था, लेकिन आप लोग बहुत देर से आके खड़े हुए हैं। मेरे असूल सब कुछ है मेरे लिए, क्या हो रहा सही हो रहा गलत हो रहा वो टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन की एक भी बात की है जो यूट्यूबर ने गलत लगाया यूट्यूबर के ऊपर। अभी एक भैया आज तक में नौकरी करते हैं, उन्होंने बड़ा प्लान मेरे लिए किया हुआ, वो वीडियो भी आ जाएगा, वो उन्होंने अच्छी जगह कैंडम गते लेके जाएंगे और सब उन्होंने मेरे लिए प्रोग्राम बना के रखा है, मैंने उन्हें फिर भी मना किया था। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। मैं लालची आदमी नहीं हूँ, मेरे को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों के सारे यहाँ पे हूँ, टेंशन के मारे आता हूँ। ठीक है जी, बस इतना बहुत है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद। गाइज अगर आप वीडियो पे बने हुए हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी हमें मनोज भाई को टाइम देना चाहिए, और अभी वो बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, गलत टाइम से गुजर रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है, तो अभी उन्हें हमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए। अभी अगर हम उनके पास जाते हैं तो सिर्फ खाना खाने जाएं, और अगर उनकी कुछ भी मदद कर सकते हैं तो उसके लिए जा सकते हैं उनके पास, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात, अभी हमें टोटली अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए, अभी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, ये लास्ट वीडियो था, मैंने भी बनाया, आज के बाद मैं उनका वीडियो नहीं बनाऊंगा। और बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करो। बाकी गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में।